थ्योरम नंबर 5 बेटा ये है, इसमें है, इसका स्टेटमेंट है द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये अब हमने प्रूफ करना है। तो डायग्राम में देखिए, एक ट्रायंगल लिया हमने ए बी सी। हमने प्रूफ करना है, गिवन में क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी है, और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमने करना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये हमने प्रूफ करना है, इज इक्वल टू 180 के बराबर। अब क्या करते हैं, इसमें हमने कुछ तब्दीली करनी होती है। तब्दीली हमने क्या की, तब्दीली हमने ये की कि एक्सटेंड बी सी, बी सी को हमने एक्सटेंड कर दिया डी तक, और एक लाइन ड्रॉ की सी ई जो कि ए बी के पैरेलल है। ए बी और सी ई दोनों पैरेलल हैं। अब यहीं से हमने स्टार्ट करना है, प्रूफ की तरफ आ जाना है। प्रूफ में है, ये प्रूफ हो गया, स्टेटमेंट और रीजंस। अभी हमने क्या क्या, हमने एक ये कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा था कि सी ई इज़ पैरेलल टू सी ई, एक हमने लाइन ड्रॉ की थी पैरेलल टू ए बी। अब सी ई ए बी के पैरेलल है, और एक लाइन ए सी उनको काट रही है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। ये हम पिछली थ्योरम में कर चुके हैं कि जब पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स काटे तो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, यानी एंगल ए बराबर होगा एंगल टू के। यही हमने यहाँ लिखा, ए बी पैरेलल टू सी ई और ए सी इज़ द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल वन। रीज़न क्या बना, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, इसलिए हम इसे प्रूफ कर चुके हैं। फिर दोबारा हमने लिखा ए बी इज पैरेलल टू सी ई एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल। पहले हमने ए सी ट्रांसफर लिया था, ट्रांसवर्सल लिया था, दो लाइन को काट रही थी। अब हमने ट्रांसवर्सल किसको लिया, बी डी को लिया, ये भी इसको काट रही है। इससे पहले एंगल ए और एंगल वन कॉन्ग्रेंट था, ये ऑल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। और कल मैंने बताया था अगर एक ही साइड पे हों तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। तो एंगल बी और एंगल टू बराबर है, ये कौन से एंगल हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। ए बराबर है वन के, ये ऑल्टरनेट एंगल थे, और एंगल बी बराबर एंगल टू के, क्यों बराबर है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और वन ए और वन ये ऑल्टरनेट एंगल थे। दो एंगल हो गए, दोनों को हमने ऐड कर दिया, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वन प्लस एंगल टू, दो एंगल हो गए। अब तीसरा एंगल जो है वो है हमारा ए सी बी, ये हमने दोनों साइड पर ऐड कर दिया, एडिंग बोथ साइड्स एंगल ए सी बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी। उस साइड पे क्या बन गया, ये एंगल वन प्लस एंगल टू और प्लस ए सी बी आ गया। अब हमने क्या किया, एंगल वन और एंगल टू, एंगल वन और एंगल टू को हमने मिला के लिख दिया, ये बन गया एंगल ए सी डी। ठीक है, वन और टू को मिला के लिखा, वन और टू के बदले हमने क्या लिख दिया, एंगल ए सी डी, ए सी डी लिख दिया हम दोनों एंगल के बदले, एंगल ए सी डी। अब ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बन गए, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर दो एंगल बन गए, एक एंगल हमारा है ए सी बी और दूसरा एंगल ले लिया हमने ए सी डी। ये कौन से, ये सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है, 180 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, तीनों का सम कितना आ गया, 180 के बराबर। यही हमने प्रूफ करना था। ये हो गई आपकी थ्योरम नंबर 5। कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। सर मकसूद।